भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और सबसे बड़े दानवीर रतन जी टाटा की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता नवल जी टाटा, जो रतन जी टाटा के अडॉप्टर सन थे, बायोलॉजिकल वो भी एक फैमिली का हिस्सा थे। जब रतन जी टाटा 10 साल के थे, उनके पिता नवल जी टाटा का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया। रतन टाटा जी कार्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और भारत लौटकर अपनी पहली जॉब टाटा स्टील में की, जहां वो टाटा स्टील के मैनेजर थे। टाटा ग्रुप में रहते हुए उन्होंने अपने कौशल को साबित किया और 1991 में जीआरडी टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन चुना। अगले कई सालों में चेयरमैन रहते हुए रतन टाटा जी ने कंपनी का प्रॉफिट 50 गुना तक बढ़ा दिया। इतना अमीर और सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अमीरों की लिस्ट में शुमार नहीं है, क्योंकि वो अपनी 65% इनकम को गरीबों के लिए डोनेट कर देते थे। दोस्तों, सर रतन टाटा जी के लिए एक लाइक तो बनता है।